ये ट्रायम टाइगर मेरी जान, इसको नाम है शेर खान। वेरी गुड वेरी गुड। पी लिया पेट्रोल। ये बहुत ही कोई भारी चीज इसके ऊपर गिरी है, ये मेटल को पूरा बैंड कर दिया है। ये तो अपना बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हेलो दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। इतने दिनों से जो काम पेंडिंग था, जो काम हमें लटकी पे लटकी दिया जा रहा था, आज वो काम पूरा होगा। हमारी ट्रायम टाइगर शेर खान आ चुकी है, लेकिन वो है अभी भिवंडी में, और मुंबई से भिवंडी लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। वहां जाके बाइक लेना है, और बाइक लेके घर पे नहीं आऊंगा, बाइक लेके फिर उसको सर्विसिंग में दूंगा, सर्विस सेंटर से फिर घर आएंगे, घर आने के बाद पैकिंग होगी, पैकिंग होने के बाद कल सुबह हम निकल जाएंगे हमारे इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। अभी तक लोगों ने थोड़ा सही सही गेस किया था, लेकिन आज के व्लॉग में थोड़ा एक हिंट और मैं देना चाहता हूँ। वहां जहां मैं जा रहा हूँ, वहां के लोग जब इंडिया में आते हैं तो वो लोग गोवा जाते हैं, और हम जा रहे हैं उनके शहर। टाइम हो रहा है 11। मुझे जाना था शफीक के साथ, लेकिन शफीक की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैंने देव को बुलाया है। देव आएगा यहाँ पर, उसका वेट कर रहा हूँ मैं, जैसे ही वो आएगा फिर निकलेंगे। ये हाउड़िया है, इसका आवाज सुनो और इसका आवाज सुनो। हेलो। ऐसा लग रहा है मैं अभी गिर जाऊंगा। क्यों? ट्रैफिक। ट्रैफिक समझ सकता हूँ तेरी भावना। एक हद होती है ट्रैफिक की, मुंबई में कोई हद नहीं होती है। जैसे ही देव आया, मजनू खाना छोड़ के भाग गया, लैला खाना छोड़ के भाग गई। जब ये नहीं था तो ये लोग खाने को नहीं छोड़ रहे थे। ओ खा लो। ओ मैडम, इसकी तबीयत थोड़ी खराब है। सर दुख रहा है, क्या हो रहा है? बुखार है। 2 डोज हो चुका है उसका, सेफ है वो। देव को मैंने अपना अडैप्टर दे दिया, अब देव मेरा वाला अडैप्टर मेरे को वापस दे रहा है। अपने गोप्रो में प्रॉब्लम था, जब हम टाइगर को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और उसमें से पेट्रोल निकालना था, तो हाइड्रेशन बैग का हमने पाइप यूज किया था, और अभी भी ये नया हाइड्रेशन बैग का पाइप है, इसको यूज करेंगे टाइगर में पेट्रोल डालने के लिए। फिर ये खराब हो जाएगा ना, ये मतलब ये पाइप दोबारा यूज नहीं हो सकता फिर। ये मतलब जो हाइड्रेशन पैक बनाता रहेगा वो रो देगा। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि मेरा पाइप का ये यूज होने वाला है। चलो भाई, आज हम मोटर व्लॉग करेंगे पीछे से। चल मेरे दोस्त, जब मनाली में मुझे पुलिस ने पकड़ा था ना, तब उन्होंने कहा था कि पूरे इंडिया में 2 हेलमेट पहनने का रूल है, पिलियन को भी हेलमेट, जो चला रहा उसको भी हेलमेट। लेकिन मुंबई में अगर 2 हेलमेट पहनेंगे ना, आपको पुलिस वाले रुकाएंगे। शक की नजर से देखते हैं मुंबई में। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, हम लोग 2 हेलमेट पहने हुए थे, पुलिस वाले ने हमें मतलब अननेसेसरी रुकाया। जब मैंने उनको बोला कि भाई ये तो गलत हो रहा है, बोलते नहीं हमें शक हुआ था इसलिए आपको रुकाया। अपनी आधी जर्नी कंप्लीट की थी और इतनी तगड़ी वाली भूख लगी है मेरे को, सुबह चाय नहीं पिया, सिर्फ पानी पिया और निकल लिया। कोई तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट देख के रुके, और वो भी सेफ बेट, दाल खिचड़ी खाएंगे हम लोग, क्योंकि दाल खिचड़ी कोई खराब बना नहीं सकता। चलो भैया, श्री मुकाम्बिका ढाबा में हमने अपना ब्रेकफास्ट प्लस लंच ब्रंच किया। अभी 1 बज रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ले थोड़ा सा और पीछे ले, ठीक। अरे सीट गरम गरम हो गई है दोस्त, स्लीव्स ऊपर कर लो, नहीं तो काले हो जाओगे, टैन हो जाओगे। और 32 मिनट्स दिखा रहा है, 16 किलोमीटर। हर जगह मुंबई में हर जगह काम चल रहा है। ओए 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 ओए, रुजा रुजा पूछता ना मैं, रुकना भाई। यहाँ पर वॉल विलेज किधर है? यही है, क्या किधर जाना है? प्रीतेश कॉम्प्लेक्स। 1 किलोमीटर सीधा जाए, पाइपलाइन पड़ेगा, 10 या 15 मिनट का रास्ता है। हम लोग लास्ट टाइम जब टाइगर को छोड़ने के लिए आए थे तो यहीं पर ही गए थे। चल आगे आगे, बताता तेरे को, एक पाइपलाइन आएगा उसके बाजू में राइट साइड में गली जाती है, ऐसा बोला। ये ट्रायम टाइगर मेरी जान, इसको नाम है शेर खान। इसका स्क्रू निकल गया पूरा, इसके साथ 4 बॉक्स आए होंगे, 3 बॉक्स आए होंगे। टाइगर सामने है, अब मसला ये है कि इसको उतारे कैसे। देखो क्या है कि ये जो गोडाउन है ये थोड़ा हाइट पे, तो ये हाइट पे क्यों है, क्योंकि ट्रक आते हैं ये लेवल पे होते हैं, ट्रक से सीधा गाड़ी अंदर पहुंचा देते हैं। अब लेके यहाँ पर How long? इतनी हाइट पे कैसे? मैं बोल रहा था इसको कूदा देते टाइगर। इसको उतारने के बाद पैकिंग खोलेंगे, पैकिंग अगर रहेगी और थोड़ा गाड़ी आगे पीछे हो गया ना तो थोड़ा सेफ है। कैसे उतार रहे हैं? टेम्पो में। तो यहाँ से इसको यहाँ लेके जाएंगे, करेंगे। हमारी हेल्प चाहिए आपको कुछ? ऐसे गाड़ी को लीजिएगा, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ ताकि इस तरफ ना आए। छोड़ो आस्ता, सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इधर काटो उसके, नीचे कोई बात नहीं, लगी गया अभी, उठा के रखना अभी। चलो हो जाएगी। बहुत है। उतरी नीचे। अब भी धीरे छोड़ना भाई। ठीक है गाड़ी। क्या बात है? मैंने तो कुछ उठाया नहीं, उठाया तो ये भाई है इधर, ये है बाहुबली।
थोड़ा इधर काटो, इधर मेरे को नीचे जाना। अरे नीचे ये स्टैंड, ये पकड़ी, हाँ उठा ना थोड़ा। हाँ सीधा सीधा टायर सीधा कर दो। हाँ हाँ हाँ, बधाई हो, बधाई हो, गाड़ी नीचे आ गई। 551 का मिठाई लेके आना चाहिए था ना। 551 का मिठाई लेके आया यार, जा। सही है, ठीक है। हाँ खोल दीजिए, खोल दीजिए। ये देखो, ये हो गया टंकी बैंड। इसके ऊपर कुछ बहुत ही जोरदार सामान लगा है। पहला नुकसान दिख गया, अपने डिजाइन बन गया है। टीका लग गया, ये उतर गया। वो तो उधर ही उतरा था, ये उतरा था कहाँ पर, आयरन वैली में। बहुत ज्यादा गर्म था वहाँ पर तो पिघल गया वो। ओके, बाकी बढ़िया। ये तो पहले से गया था, ये तो अपना बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ऐसे काम चला सकते हैं, लेकिन अभी अतुल सर को दिखाना पड़ेगा इसका क्या कर सकते हैं। बाकी ठीक है, पेट्रोल डाल के चलाते हैं गाड़ी को। अभी पेट्रोल निकालो, पेट्रोल कैसे आएगा, कर पाएगा तू इस तरह वाला? मैं निकाल रहा हूँ, खतरों से खेल पाएगा। अरे सिर्फ डाल, आधा आएगा ना उसको। किधर है, कहाँ पे तेरा टंकी खाली क्यों है? खाली नहीं है भाई, पेट्रोल ही पेट्रोल है अंदर। 20 लीटर का टंकी है। छोटे, वेरी गुड वेरी गुड। पी लिया पेट्रोल, क्या होगा, थोड़ा नशा हो जाएगा। ये सस्ते नशे नहीं करता है। इसको बोलते एक्सपीरियंस भिड़ू। पहले बता देते, मेरे को पीना नहीं पड़ता ना। इससे तो बहुत अंदर जाता है बाबू, हो गया इसका गैस बहुत गया अंदर मेरे। बस कर दो, बस कर दो। शुक्रिया शुक्रिया। 5 किलो चालू है, चालू हो रही है, चालू हो रही है। थोड़ा इसको ऐसा ऐसा तो धक्का दो। अभी तेल किया नहीं है ना, टैंक में जरा सा भी पेट्रोल आने नहीं देते क्या? नहीं नहीं, टेंडर है इसमें। अरे रे, हो गए हो गए हो गए। क्या किया तूने, कलाकारी क्या की अंदर? जादू अपने हाथ में। चलो ठीक है, अब इसकी मरम्मत करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है, इतने दिनों बाद टाइगर। यार ये मेरे को बड़ा ऐसा लग रहा है, यहाँ टैंक में नहीं लगाया, ये दिल में किसी ने ऐसे हथौड़ा ठोका है ये। चलो थैंक यू। कुछ अजीब सी लग रही है ये आवाज़, क्या आ रही है? रुक जा भाई, कुछ तो आवाज़ आ रही है इसमें। अच्छा ये मडगार्ड, इसका क्या करेंगे, रस्सी बांध के चलाएंगे। मिला मिला मिला, सबसे पहले पेट्रोल भराना है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा हैंडल भी टेढ़ा टेढ़ा सा लग रहा है, इतने दिनों बाद बैठा हूँ इसके लिए ऐसा लग रहा है, या फिर सही में कुछ हैंडल वैंडल के साथ हुआ है। अभी ये जब हमारे डॉक्टर अतुल सर के पास जाएगी तब पता चलेगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। सामने सामने जो ये जो टीका लगा हुआ है ना यार, ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हो गया शेर खान तुझे, क्या हो गया? स्क्रैचेस तो पूछो मत इतने ज्यादा, ये ठीक होगा कि नहीं होगा पता नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि कलर करवा दूँ मस्त एकदम, ये सब निकल जाएगा। ये जैसे गाड़ी को कलर करवा रहे ना, वैसे इसको भी कलर करवा दूंगा। डेंटिंग पेंटिंग इसका भी हो जाएगा, तो ये एकदम नया हो जाएगा। क्या करे भाई, होता है होता है। मेरे को दिल में जितना दर्द हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ठीक है यार, सोचा तो था मैंने कुछ ना कुछ होगा, पहले से थोड़ा प्रिपेयर था इसलिए थोड़ा दर्द कम हो रहा है। 420 रुपये का पेट्रोल दीजिए। चलो फिर, चलो फिर, चलो फिर। एक छोटा सा ब्रेक लेने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों यार। पहुंच गए जी सर्विस सेंटर। यहाँ पहुँचते पहुँचते अरे घड़ी की बैटरी भी बंद पड़ गई। 3:47 हो चुके हैं भाई, 3:47 ऑलमोस्ट, मतलब 4 बज ही गए।
ओहो बाप रे बाप, गरम गरम हो गया सब कुछ। ये नए वाली 850 क्या क्रेजी लग रही है यार, क्या सही बनाया इसको जिंदगी में। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये विंडशील्ड है, इसको लाने का कोई जुगाड़ नहीं था तो फिर बांध दिया मैंने। और एक जुगाड़ ये है कि इसको इसके ऊपर अपन फिट बिठा सकते थे, लेकिन इतना हिम्मत नहीं थी मेरी ये देखने के बाद। सही सलामत बाइक दे दिया इनको, खर्चा मुझे लग रहा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो भी है देख लेंगे। टॉप बॉक्स में मैंने कुछ सामान रखे थे जो इनको देना था, इसलिए मैं यहाँ पर लेके आया। नहीं तो पहले प्लान ये था कि सीधा वहां से घर जाऊं, फिर घर से यहाँ पर आऊं, लेकिन अपने पास क्या वक्त कम है, थका थका सा लग रहा है और बहुत सारी काम बचा हुआ है अपना। तो फिर कैब बुक कर लिया, क्या बोला ना, फोन किया था, बोलता है कहाँ जाना है, मैंने कहा कि जाना माहिन, आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, नहीं अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। लेकिन ये चीज़ गलत है, ये पता है इनको बहुत चर्बी आ रही है अभी। पीली टैक्सी वाले बोलते थे नहीं जाना है, नहीं जाना बोलते थे ना, अभी लोग भी बोलना चालू करते नहीं जाना है। और देव शुक्रिया दोस्त मेरे को वहाँ तक लेके जाने के लिए और सारा हेल्प हेल्प करने के लिए, एंड देन पेट्रोल वेट्रोल खाने के लिए। अभी तक पेट्रोल के डकारे आ रही है, आज पहली बार पता चला कि ऐसा पेट्रोल मुँह पे लगते ही ना फिर डकारे भी आते हैं, पेट्रोल का टेस्ट आता है तुम्हारे मुँह। तो जब जब ये पेट्रोल का डकार लेगा ना, तब तक 1,000 इसके सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। 1,00,000 कर दो यार। फुल पावर ब्रो, तेरा जिम हो रहा है यहाँ पर। दूसरे से ठीक है, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। या बाय, चलिए जी। टॉप बॉक्स पैनियर हमारे घर में आ चुके हैं, लाने में हेल्प किया है गौरव जी ने और बीमार शफीक ने। मैं बाइक पता है क्यों जल्दी चाहता था, बिकॉज पैनियर भी उसके साथ ही आ रहे थे, पैनियर में मेरे बहुत सारे कपड़े हैं और यहाँ पर मेरे पास कपड़े बहुत कम है। 5:10 हो रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं खाने के लिए जाऊंगा, आऊंगा देन कपड़े धोऊंगा, और कपड़े कल सुबह तक सूखने चाहिए। अगर वो नहीं सूखे ना तो मैं अपने साथ लेके जा नहीं पाऊंगा, कपड़े हैं लेकिन गंदे हैं। तो अगर ये कल आ जाता ना तो मेरा सारा काम स्मूथली हो जाता, लेकिन अभी भी चांस है। कपड़े धोएंगे, फैन के नीचे डालेंगे, सूरज तो ढल गया, नहीं तो सूरज मामा भी हेल्प कर ही देते हैं। कपड़े सूख जाएंगे क्योंकि मुंबई में गर्मी बहुत बढ़ गई है इस समय। टॉप बॉक्स पैनियर तब खुलेंगे जब टाइगर की चाबी होगी, और चाबी कहां पर है, सर्विस सेंटर में। जैसे मेरे दिमाग में आना कि चाबी छूट गई, मुंह से निकला ओह शिट अब क्या होगा, बट दो चाबी हमारे पास है, दूसरी चाबी ढूंढते कहां पर है, इधर ही है, क्या बात है, कर रही, थैंक यू। आज लग अपने साथ है, हमें ना ज्यादा कहीं भयंकर ट्रैफिक मिली नहीं, मिली ट्रैफिक लेकिन हल्की हल्की से मिली। तो यहाँ से भिवंडी जाके, भिवंडी से गाड़ी लेके वापस रैम सर्विस सेंटर, गोरेगांव में जाके फिर गोरेगांव से यहाँ पर आ गए। 11:30 बजे तक निकले थे, मतलब हम लोगों ने ये काम पूरा 5 घंटे में कर लिया। खा के आता हूँ बस अब यार। मैं अभी घर पे जा रहा था खाना खाने के लिए, तो गौरव जी ने बोला कि कपड़े हमें दे दो, हम धोने के लिए डाल देंगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। मैंने कहा कि नहीं यार, मतलब कपड़े मेरे को सिलेक्टेड निकालने, सारे कपड़े नहीं धोने, जो लेके जाऊंगा वही धोने, लेकिन बात तो सही है, थोड़ा टाइम तो हमारे पास मिल जाएगा। तो अभी मैं इनकी बात सुन के कपड़े निकाल के दे रहा हूं, तो कपड़े धोने में हमें हेल्प कर देंगे। जाने और आने और खाने में आधे से 1 घंटा तो जाएगा कम से कम, एक राउंड हो जाएगा अपना। ऐसे कर्मचारी और दोस्त सबको मिलने चाहिए। सारा काम कंप्लीट करके हो चुका है, सिर्फ कपड़े धोने वाला जो काम है वो ऑन द प्रोसेस है, और अभी सिर्फ और सिर्फ पैकिंग बची है और वो जीरो से शुरू करनी है मुझे। अभी टाइम हो रहा है 9, हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, सिर्फ 2-3 घंटा मेरे पास है, फिर वीडियो एडिट भी करना है और सोना भी है, नींद भी कंप्लीट करनी है और कल निकलना भी है नए इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। तब तक आप गेस करते रहे, बस एक दिन और फिर उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाकी सब एकदम बढ़िया है, अगर आप यहाँ पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिव अ लाइफ, लिव अ ड्रीम। रुक जा, इतना घाई क्या कर रहे, रुक जा रे। 2,000 रुपए का पेट्रोल का पाइप।